Good morning, viewers, and today we are back with Merry Chit Chat episode after a long break, but it's a very special one, and you won't mind this break after you hear this talk. So today we have Dr. Shriram sir, and sir, it's such a pleasure to have you again on Merry Chit Chat. And आज का जो वीडियो है हम बहुत डिटेल में बात करना चाहते हैं माइरीना या जी ये जो नई डिवाइसेज आई हैं जिसको जनरल एमिली या माइरीना या इस तरह की जो डिवाइसेज हैं और कैसे इट हैज़ काइंड ऑफ चेंज द गायनिक प्रैक्टिस, क्योंकि पहले तो हिस्ट्रेक्टमी इतना कॉमन था स्पेशली ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स के लिए. तो हमको पहले तो ये बताएं कि ये माइरीना क्या होता है और किन लेडीज में ये ऑप्टिमम है या ये क्यों इतना हम लोग पसंद करते हैं. जैसे आपने सुना होगा कॉपर टी बोलते हैं या जो कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिसको गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, तो माइरीना एक ऐसी ही चीज़ है. पर इस माइरीना में कॉपर तांबे के बदले में एक ड्रग होता है जिसको प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं, जो कि एक फीमेल हार्मोन है. तो ये जो फीमेल हार्मोन है वो एक प्रोटेक्टिव हार्मोन होता है, और ये जो हार्मोन है वो हम टैबलेट के फॉर्म में, इंजेक्शन के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं कई सारे प्रॉब्लम्स ट्रीट करने के लिए फीमेल्स में. सो अगर बेसिकली सिंपली अगर आपको समझना चाहते हो आप, तो ये है कि ये कॉपर टी के जैसी एक डिवाइस है जो कि कॉपर के बजाय यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन है. सर, कॉपर टी के बारे में तो लोगों के बारे में बहुत मिसकंसेप्शन है ना, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स होते थे लोगों को कॉपर टी के समय. तो ये क्या माइरीना में भी उस तरह के प्रॉब्लम्स हम एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, पहले तो इफ़ यू डोंट माइंड मैं कॉपर टी के मिसकंसेप्शन के बारे में भी यहाँ क्लियर करूँगा. कैसे होता है कि 100 लोगों को कॉपर टी आपने डाल दिया, उनमें से 5 लोगों को प्रॉब्लम होगा, और वो उनमें से 3 लोग जाके 3000 लोगों को बोलेंगे कि प्रॉब्लम है करके, और बाकी ये जो 95 लोग हैं जिनको प्रॉब्लम नहीं हो वो कभी जाके बोलते नहीं हैं कि मुझे हमें प्रॉब्लम हुआ नहीं, अच्छा है, वो चुपचाप रहते हैं. तो ये क्या होता है, ये नेगेटिव पब्लिसिटी हो जाती है. इसीलिए कॉपर टी इतनी बुरी चीज़ है ही नहीं, इट इज़ इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कॉन्ट्रासेप्शन या गर्भ निरोधक के लिए. वैसे तो वैसे ही अगर देखा जाए तो इवन माइरीना में कोई कॉम्प्लिकेशन इससे नहीं होते. इट्स अ वेरी सेफ सिक्योर, इट्स अ वेरी सेफ डिवाइस, एंड प्रोसीजर ऑफ इंसर्टिंग, जो डालने का जो प्रोसीजर होता है वो भी काफ़ी सेफ होता है. तो सर, ये कौन से पेशेंट्स के लिए आइडियल है? एक तो हम लोग आजकल कॉन्ट्रासेप्शन में भी सुन रहे हैं कि माइरीना काफ़ी इफेक्टिव हो गया है. तो कॉन्ट्रासेप्शन में अगर कोई लेडी ये डालना चाहती हैं कि उन्हें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तो आपका क्या एडवाइस है और ये कितने समय तक लास्ट करता है? ज़रूर, ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए भी डाल सकते हैं, एंड हालांकि हम ये ज़्यादातर जो लेडीज़ को जो महामारी की प्रॉब्लम्स बाद में होते हैं आफ्टर 35-40 उनको यूज़ करते हैं, बट कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक के लिए भी डाल सकते हैं. और ये एक बार डाल दिया तो 5 साल तक उसका इफेक्ट होता है. आई थिंक लेटेस्ट है 8 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं. पर जैसे कि कॉपर टी भी होता है, हम 8 साल का कॉपर टी, 10 साल का कॉपर टी होता है, पर फ्रेंकली मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी साल का हो आप 5 साल के बाद में अगर चेंज करें तो अच्छा है. और सर, ये मतलब आपने कहा कि ये तो हमारा कॉन्ट्रासेप्शन का हो गया कि कॉन्ट्रासेप्शन में भी बहुत इफेक्टिव है. तो अगर कोई पेशेंट जो है, आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि हम लोग माइरीना डाल देते हैं, तो ये माइरीना जो है वो हिस्ट्रेक्टमी से बेटर या क्यों एक अल्टरनेटिव आ गया है? बेटर तो नहीं कह सकते, बट अल्टरनेटिव क्यों है ये? देखिए, कोई भी अगर मेडिकल प्रोसीजर अगर आपके सर्जिकल प्रोसीजर को अवॉइड कर सके तो ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि कोई भी सर्जरी हो, छोटी हो बड़ी हो, इसके लिए थोड़ा तो कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं, एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं. सो अगर आप सर्जरी किसी मेडिसिन से अवॉइड कर सकते हो तो ये बहुत बड़ी बात है. तो आज तक हमारे पास जो पीरियड्स में जो ब्लीडिंग ज़्यादा होता था औरतों को, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40, जिसे हम उसको पेरीमेनोपॉज कहते हैं, मेनोपॉज होने के 5-6 साल पहले से पीरियड्स में प्रॉब्लम आते थे, हैवी पीरियड्स, फ्रीक्वेंट पीरियड्स, जिससे कि उनका हीमोग्लोबिन गिरता था. तो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए पहले ज़माने में हम एक बार DNC करके, अगर प्रॉब्लम नहीं हो उसमें, कुछ कैंसर वाली बात नहीं हो, तो हम सीधे गर्भाशय निकाल देते थे, हिस्टेरेक्टमी कर देते थे. तो अभी हमारे पास ऐसे हॉर्मोन्स आ गए हैं जो हम ओरली दे सकते, मतलब खाने के लिए दे सकते हैं, इंजेक्शन में दे सकते हैं, तो आ गए हैं जिससे हम जो ब्लीडिंग है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं. पर आप देखिए, अगर आप रोज़ एक दवाई खाते रहोगे वो भी 3-4-5 साल के लिए, तो इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, आप भूल जाओगे. और ये ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो आप भूल नहीं सकते, इसको ज़रूर लेना ही है डेली. तो इसके बदले में हमारे पास आ गया है माइरीना, जो कि एक बार हमने डाल दिया गर्भाशय में तो अपने से ये एक छोटी मात्रा में धीरे 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 ये प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन रिलीज़ करते रहता है,
और ये जो रिलीज करता है वो डायरेक्टली गर्भाशय को जाके इफेक्ट करता है, ना कि ये पेट में जाके फिर ब्लड में जाके बाद में लिवर में जाके बाद में गर्भाशय के पास जाए। तो इसलिए इसका जो डोज होता है वो भी छोटा होता है, कम होता है, रोज लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए साइड इफेक्ट जो ड्रग के साइड इफेक्ट है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो वो जो नॉर्मल ब्लोटिंग होता है या वेट गेन होता है वो भी काफ़ी हद तक मायरीना से नहीं ही है इनफैक्ट। हाँ, नहीं के बराबर है, पर वो तो सेंसिटिविटी के ऊपर है। किसी किसी को अगर बहुत सेंसिटिव होगा प्रोजेस्टेरॉन के लिए तो उनको ये सब बातें हो सकती हैं, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कम हो जाता है। एंड प्लस अगर आप सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आप डेफिनेटली कर सकते हो, सहन कर सकते हो। तो सर, अगर किसी को आप मायरीना एडवाइस करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए नहीं बट ब्लीडिंग के लिए, तो उसमें किस तरह का प्रोसीजर पेशेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि वो मायरीना कैसे डाला जाएगा या क्या सही तरीका रहेगा उसको डालने के लिए? तो एक्चुअली मायरीना अगर डालना है, कॉपर डी अब जब डालते हैं तब हम औरत को एनेस्थीसिया देते नहीं हैं या एडमिट करके ऑपरेशन थिएटर में वगैरह नहीं डालते। इसको हम ओपीडी प्रोसीजर, मतलब आ जाओ, आपको कॉपर डी डाल देंगे और 5-10 मिनट बाद में अगर आप सेफ कंफर्टेबल हो तो आपको छोड़ देंगे, ऐसे डिस्चार्ज कर देंगे, ऐसे होता है। मायरीना भी ऐसा ही है, हम कॉपर डी, इट्स जस्ट लाइक अ कॉपर डी, तो कॉपर डी के जैसे डाल सकते हैं, पर यूजुअली हम ऐसा प्रेफर नहीं करते क्योंकि जो पेशेंट को प्रॉब्लम है, जैसे ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, हमको ये देखना होता है कि जो गर्भाशय के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए, क्योंकि कुछ स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं जिससे कि आगे 5 साल 10 साल 15 साल बाद जाके कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो अगर हमको ये पता चल गया अभी तो इसके लिए हम अलग से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि किसी भी औरत को अगर मायरीना डालना होगी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स के लिए, तो उनका पहले एक बार हम क्यूरेटाज, DNC जिसको बोलते हैं, डायलिटेशन एंड क्यूरेटाज, सिंपल वर्ड्स में थैली साफ करके जो मटेरियल आता है उसको हम बायोप्सी के लिए भेज देते हैं। तो बिना बायोप्सी के प्रेफर नहीं करेंगे? हाँ, बायोप्सी एटलीस्ट लेके देखो, बायोप्सी ले लिया तो उसको रिपोर्ट आने के लिए 1-5-7 दिन लग जाते हैं, पर ये बायोप्सी लेके उसका रिपोर्ट के लिए वेट नहीं करेंगे, हम मायरीना डाल देंगे। अगर रिपोर्ट अच्छा हुआ तो प्रॉब्लम नहीं है, जो कि ज़्यादातर लोगों में रिपोर्ट नॉर्मल ही आता है। तो अगर वन ऑफ केस में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसके हिसाब से इलाज दे ही सकते हैं हम ऐसा। तो प्रोसीजर में ऐसा है कि हम DNC के लिए जो भी प्रोसीजर करते हैं, एडमिट करके एनेस्थीसिया के अंडर करते हैं, वो करने के बाद मायरीना उसी समय डाल देते हैं, यानी कि बिल्कुल भी पेन फ्री प्रोसीजर हो जाता है। अच्छा, तो मतलब एकदम कम्फर्टेबल है। और ये नॉर्मली सर इसमें एडमिशन कितने समय के लिए या कैसा रहता है? देखिए, तो आजकल डे केयर हो जाता है, यानी कि आप मॉर्निंग में आ जाओ फास्टिंग में, क्योंकि जब भी आप जनरल एनेस्थीसिया लोगे कम से कम 4-6 घंटा खाली पेट होना पड़ता है, क्योंकि एनेस्थीसिया देने के बाद में वॉमिटिंग होने के चांसेस होते हैं सेफ्टी के लिए। यस, नहीं तो अगर अंडर एनेस्थीसिया अगर वॉमिटिंग हो गया तो ये जो है आपके जो विंड पाइप में है, सांस के नली में अगर चले गया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए स्ट्रिक्ट, मतलब पानी भी नहीं 4-6 घंटे पहले, प्रोसीजर के बाद में 4-6 घंटे खाली पेट रखे घर भेज देंगे, यानी आप सवेरे अगर 9 बजे आ गए तो 1-2 बजे तक आप। तो अगर कोई वर्किंग लेडी है तो बस उनको एक ही दिन का एज सच, हाँ सैटरडे कर लो बेस्ट है, फिर संडे थोड़ा रेस्ट लेके मंडे काम होगा। वेरी नाइस। अच्छा सर, मुझे ये जानना था कि इस प्रोसीजर करने के बाद क्या एक्सपेक्टेड है, क्या वुमेन को पता चलेगा, क्या लेडी को ये पता चलेगा कि उनके गर्भाशय में ऐसा कुछ है, या मतलब किस तरह का क्या एक्सपेक्टेड है आफ्टर द प्रोसीजर? तो ये एक बार अगर डाल दिया गर्भाशय में ऐसे कोई सेंसरी नर्व्स वगैरह नहीं होते जो कि महसूस करवाए एक लेडी को कि है अंदर कुछ, ऐसा चुभेगा या ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, तो ये फॉरेन बॉडी सेंसेशन वगैरह नहीं हो सकता, पर कॉपर टी या मायरीना डालने के बाद में जो थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो डेफिनेटली रहेंगे, जैसे कि कभी कभार इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, और ये हार्मोन जो डाला है उसका एक्शन आने के लिए कभी कभी 15 दिन 2 महीने 3 महीने भी लग जाते हैं। जब तक उसका इफेक्ट नहीं आता तब तक आपके ब्लीडिंग पैटर्न्स में थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी होगा, एक बार 2-3 महीने के पीरियड के बाद में ब्लीडिंग अगर कंट्रोल में आ गया तो बाद में यूजुअली प्रॉब्लम नहीं होता। सिर्फ कि एक बार जो मायरीना डाल दिया तो ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो अंदर के लाइनिंग को स्टिमुलेट करता है, स्टेबलाइज करता है। कभी कभी एक आध बार इंटरमिटेंटली थोड़ा कई बार स्पॉटिंग हो सकता है या ऐसे कुछ हो सकता है, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सेटल हो जाता है 95% ऑफ द लेडीज में। और कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि एक बार डालने के बाद भी पीरियड्स 2-3-4 साल तक बंद भी हो जाए। सर ये भी थोड़ा इनिशियल डेज में कुछ क्रैम्पिंग वगैरह भी एक्सपेक्टेड हो सकता है? यस, जैसे कि बच्चेदानी में आपने कोई भी चीज़ डाल दी तो बच्चेदानी कोशिश करेगा कि इसको बाहर निकालते हैं, कि वो लिवर के जैसे हैं, तो थोड़ा बहुत क्रैम्प्स तब आ सकता है। बट ये जो एंटी स्पैसम, जो आप पीरियड्स के टाइम पे दवाएं लेते हैं जैसे मेफ्टास पास हो, साइक्लोपाम हो, इससे कम हो जाता है इजीली। नॉर्मली 1-2 साइकिल में काफ़ी आराम कंफर्टेबल हो जाता है। सर अब
अगर जब ये प्रोसीजर डाल ये जैसे डालने के लिए तो हमको एडमिशन लगता है, लेकिन क्या ये निकालने के लिए भी कोई तरीके का प्रोसीजर है या कैसे आप इसको निकालते हैं डिवाइस? निकालना तो उतना ही आसान है जितना कॉपर्टी निकालना है। अगर आपको नहीं चाहिए या आपके 5 या 8 साल हो गए हैं या अगर मैरीना का एक्शन नहीं आ रहा है, आप लोग को लग रहा है कि कुछ सर्जरी करना है या और कुछ ट्रीटमेंट देना है, तो आप जाइए डॉक्टर के पास में ओपीडी में, तो तुरंत निकाल के आपको वापस घर भेज देंगे। सर अगर कोई पेशेंट हैं जिनको ऑप्शन दिया गया था मायरीना का और आपने मायरीना डाल दिया है, तो नॉर्मली कितना समय में उसका रिस्पांस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कब कहेंगे कि ये नहीं, अब मतलब ये कंजर्वेटिव मेथड जो है ये ठीक नहीं है, हमको शायद सर्जरी लगेगा, तो ये टाइम विंडो कितना रहता है अज्यूमिंग की बायोप्सी रिपोर्ट जो था वो हार्मोनल डिसबैलेंस का ही था? देखिए एक बार मायरीना डालने के बाद में आप ऐसे उम्मीद नहीं रखना कि आज डाल दिया तो कल से सब कुछ ठीक रहेगा, बिकॉज उसका इफेक्ट आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, बिकॉज वो स्टेबलाइज होने के लिए जो प्रॉब्लम आपको पिछले 6 महीने 1 साल 2 साल से है उसके लिए एटलीस्ट आप 3 महीने दीजिए। एक बार 3 महीने में डेफिनेटली आपको पता चल जाएगा कि ये आपको सूट हो रहा है क्या, आपका काम हो रहा है क्या इससे। 3 महीने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं हैं और भी कुछ मेडिसिन ऐड करके कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो आप सोच सकते हैं इसको निकालने के। सो कम से कम 3 महीने तो कम से कम उसको, मेरे ख्याल से कम से कम 3 महीने तो 3 से 6 महीना दे दें अगर हैवी ब्लीडिंग ना हो तो। सर इसके बाद मायरीना डालने के बाद किस तरह का मेंस्ट्रुअल पैटर्न एक्सपेक्टेड रहता है या किस चीज़ के लिए मेंटली तैयार रहना चाहिए कि हमें क्या पैटर्न मिलेगा ब्लीडिंग का? पहले 3 महीने में तो शायद इरेगुलर हो सकता है, तो जो इरेगुलर मतलब प्रिपेयर बी प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग, कैसे भी हो सकता है सो लॉन्ग ऐसे बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, और अगर हैवी हुआ या स्पॉटिंग हुआ तो भी उसके लिए टैबलेट्स आप ले सकते हैं। सेकेंडली एक होता है कभी कभी जो लोग बहुत लकी होते हैं उनका मायरीना डालने के बाद में बिल्कुल पीरियड्स बंद ही हो जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि पीरियड्स बंद हो गया यानी अंदर जमा हो रहा है कुछ और गांठ हो रही है, ऐसे नहीं होता। ये जस्ट कि अंदर की लाइनिंग बराबर से बन गई है और वो टूट नहीं रही, जैसे आपकी चमड़ी अगर है आपको जख्म हो गया तो वहाँ से ब्लीडिंग होगा, तो अंदर की चमड़ी को भी अगर जख्म हो गया तो ब्लीड होगी, यानी अगर वो टूट गई तो ब्लीड होगी। प्रोजेस्टेरोन उसको अच्छे से स्टेबलाइज कर देता है ताकि जख्म हो ही नहीं, तो अंदर कोई चीज़ जमा नहीं हो रही है ना ही कि गांठ बन रही है। थर्ड ऐसे होता है किसी किसी को मंथली पीरियड्स आते हैं पर वो पहले से कई ज़्यादा कम हो जाते हैं, बहुत कम हो जाता है वो एंड वैसे ही रहता है, धीरे धीरे कम हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में पीरियड जो साइकिल का है, साइकिल हर महीने में जो महावारी आते हैं वैसे नहीं होता, पर इंटरमीडिएटली कभी 2 महीने में 3 महीने में ऐसे थोड़ा स्पॉटिंग हो सकता है। हाँ इससे दिक्कत परेशानी ज़रूर होगी क्योंकि हमारे मज़हब में अगर हिंदू हैं आप तो आपको जो फेस्टिवल्स या रिलीजियस के टाइप पे आपको ये चाहते हैं आपकी ब्लीडिंग ना हो, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम ज़रूर आ जाती है, पर देन ये तो वंस इन अ वाइल ही होता है। सर ये एक तो हमने जैसा डिस्कस किया कि मायरीना हम उन केसेस में डाल रहे हैं जहाँ पे, 2 केसेस डिस्कस किए हमने, एक की कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जहाँ पे बच्चा नहीं चाहिए था और दूसरा जहाँ पे ब्लीडिंग ज़्यादा है। इसके अलावा ये मायरीना किन केसेस में उपयोगी है? यानी ब्लीडिंग के केस में और ज़्यादातर यूजली कॉमनली इन 2 कंडीशंस में ही हम यूज़ करते हैं इसको। कुछ एंडोमेट्रियोसिस या एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसा कंडीशन है कि जहाँ पे जो मासिक आता है आपका ब्लीडिंग होती है वो बाहर निकलने के बजाय अंदर कभी कभी बॉडी के अंदर, ये वन ऑफ द रीजंस है, बॉडी के अंदर विभाजित करने के गर्भाशय के पास में या बीजकोश अंडाशय के ऊपर हर थोड़ा सा उसके ऊपर अगर रूट पकड़ लिया और वहाँ पर हर बार ब्लीड होता है तो हम यूज़ करते हैं ज़रूरी, बट ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। पर अगर आपके पास और कोई चीज़ नहीं हो तो ये ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कभी कभी पीरियड्स एकदम से बंद हो जाते हैं तो जो एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स है वो भी ग्रो करना कम हो जाते हैं, प्लस इवेंचुअली वो प्रोजेस्टेरॉन है तो वो लोकली ही एक्ट कर रहा है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपके शरीर में लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरॉन बहुत बढ़ जाते हैं, तो ये एक मैंने पहले ही बताया था ये एक सेफ हार्मोन है, जो दूसरा फीमेल हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन होता है, तो ये जो ईस्ट्रोजन के इफेक्ट को ये प्रोजेस्टेरॉन थोड़ा सा कम कर देता है। यानी कि जिनको एंडोमेट्रियोसिस है वो अगर प्रेग्नेंट हो गए तो जो 9 महीने का प्रेगनेंसी है जहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन हाई होता है और पीरियड्स भी नहीं आते, उस दौरान एंडोमेट्रियोसिस के जो इम्प्लांट्स हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। जी तो क्योंकि ओसीपिल्स वगैरह पहले यूज़ किया जाता था तो अब मायरीना भी। सर ये कुछ ये हार्मोन जो है ये थोड़ा प्रोटेक्टिव भी है ना, कौन सी मेलिग्नेंसीज को ये प्रोटेक्ट करता है? जैसे आप इसको यूज़ कर रहे हैं यूट्रस के अंदर डालने के लिए तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो है वो जो ईस्ट्रोजन का इफेक्ट कम करता है,
यानी ईस्ट्रोजन का इफेक्ट अगर एंडोमेट्रियम यानी बच्चेदानी के लाइनिंग पे हो तो बच्चेदानी के कैंसर होने के चांसेस होते हैं, तो बच्चेदानी के कैंसर होने के चांसेस कम हो सकते हैं आगे जाके, पर चांस कम करने के लिए तो नहीं आप यूज़ करो ऐसा नहीं, पर ये एडेड बेनिफिट है, एडेड बेनिफिट हो गया सर, जिससे कि शायद आपको लगे कि हाँ चलो मैंने यूज करना चाहिए मैरिना। सर एक क्वेश्चन था जो हमें शायद पहले पूछना चाहिए था, लेकिन अगर किसी को कॉन्ट्रसेप्शन के लिए ही मायरीना डालना है, क्योंकि आजकल तो ये नई रिसर्च कह रहा है 8-8 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक्चुअली 2 या 3 बार आपने मायरीना चेंज किया तो आपका पूरा केयर हो जाएगा, रादर देन गोइंग फॉर अ फैमिली प्लानिंग यू कैन ऑल्सो कंसिडर मायरीना। तो आप किस, ये लेडीज़ जो हैं जो कॉन्ट्रसेप्शन के लिए चाहती हैं, वो किस दिन आके ये डालें, मतलब उन्हें कब आना चाहिए, अपने डॉक्टर को कब विजिट करना चाहिए? देखिए आइडियली जो हम बोलते हैं कॉपर टी जो आप यूज़ करते हैं वो अगर पीरियड्स के 2nd, 3rd, 4th, 5th डे पे जब आएंगे तो दैट इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि जब मासिक पीरियड जा रहा होता है ऑल्दो लेडी को थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है या थोड़ी शर्म आती है, पर इस टाइम पे बच्चेदानी का मुंह थोड़ा सा खुला होता है तो जो इंसर्शन है डालना है वो ईजी हो जाता है। तो मायरीना भी आप डे 5 पे डाल सकते हैं, क्योंकि तब तक हार्मोन के लेवल थोड़े से कम हो गए होते हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, तो ये क्या बॉडी का जो हार्मोनल पैटर्न है उसी के साथ में मायरीना का भी हार्मोन बढ़ जाता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप मायरीना कभी भी डाल नहीं सकते। आप अगर आपको अगर टाइम नहीं मिला 5th डे पे और नहीं मिल रहा है आपको और आपको जाना है कहीं अर्जेंटली आप आ नहीं सकते तो 6, 7, 8, 9, 10 या एनी टाइम ऑफ द साइकिल पे भी आप डाल सकते हैं। बट आइडियल वुड बी, आइडियली आपको अगर वो साइकिल पैटर्न सेट करवाना है तो बेटर है कि आप बॉडी के हिसाब से जाएं, और प्रेगनेंसी भी 100% नहीं है वो भी कंफर्म हो जाना चाहिए। यस, वो भी कंफर्म हो जाए, यूजुअली अगर आप अगर 14-15 दिन बाद डालेंगे तो चांसेस हैं कि ओवुलेशन हो गया होगा एंड प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, तो बट सर मायरीना से सुना है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी काफी कम हो जाती है अब एज कम्पेयर टू द कॉपर टी, कॉपर टी से जब करते हैं तो हाँ, कॉपर टी से नॉर्मली क्या होता है कॉपर टी का बेसिस है कि वो एक इन्फ्लेमेशन तैयार कर देता है, वेरस मायरीना जो प्रोजेस्टेरोन है वो एंडोमेट्रियम को थोड़ा स्टेबल बना देता है, तो इसीलिए जो इन्फ्लेमेशन की वजह से जो प्रॉब्लम्स होते हैं जे यूट्रस में या फेलोपियन ट्यूब्स में जिसकी वजह से एक्टोपिक हो सकता है वो कम होते हैं, इसीलिए मायरीना में एक्टोपिक होने के चांसेस कॉपर टी से कम है, पर कॉपर टी अगर डालो तो इसका ये मतलब नहीं कि कॉपर टी से एक्टोपिक के चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा। अगर आप एक लेडी को जो कि कॉपर टी यूज़ नहीं कर रही है और दूसरी जो कॉपर टी यूज़ कर रही है, तो जो लेडीज कॉपर टी यूज़ नहीं कर रहे हैं उनमें एक्टोपिक के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि कॉपर टी जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रेग्नेंट होते ही नहीं है, तो इसीलिए वैसे एक्टोपिक के चांसेस कम हो जाते हैं। हाँ, पर अगर कॉपर टी के साथ में कभी प्रेगनेंसी रह गई तो एक्टोपिक के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर अगर कोई पर्सन है जिन्होंने मायरीना डाला है कॉन्ट्रसेप्शन के लिए, तो ये निकालने के बाद अगर उन्हें प्रेगनेंसी चाहिए तो इसकी रिवर्सिबिलिटी कैसी है? रिवर्सिबिलिटी ये कम्प्लीटली रिवर्सिबल है। अच्छा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट साइकिल से 1-2 साइकिल के बाद में जब साइकिल आपका रेगुलराइज हो जाएगा, यानी साइकिल रेगुलराइज होने का मतलब ये है कि ओवुलेशन हो रहा है यानी कि अंडा निकल रहा है हर महीने, तो थैंक यू सो मच सर, हमने बहुत कुछ सीखा, आपने मायरीना एक कैरी भी किया है, तो अगर आप उसका जस्ट कवर दिखा देते हमारे दर्शकों को, ये मायरीना है लेकिन ऐसे बहुत सारे अलग अलग ब्रांड आते हैं। हाँ, ये मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जब ये मायरीना जो है ये पहली बार लॉन्च किया था इस कंपनी ने, तब इसकी कीमत थी करीबन 12-13 हज़ार रुपये। इसके बाद में कई कंपनीज आ गए जिन्होंने अपना जो LNG ID बोलते हैं उसकी कीमत 3,500-4,000 कर दिया था, तो अभी उनकी प्राइजेस 2.5 हो गई, तो इसीलिए मायरीना की प्राइस भी अभी काफ़ी कम हो गई, बिटवीन अराउंड 3-5 के बीच में अभी मिल जाएगा आपको, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और एक ये फोटोग्राफ है जिस ये एक इंसर्ट है जो डिब्बे के अंदर होता है, इसमें दिखाते हैं कि मायरीना कैसे डालते हैं, तो इसमें मायरीना का शेप सब दिखाई देगा अगर आप बस देखेंगे तो। हाँ। तो ये है बच्चेदानी और यहाँ पे मायरीना इंसर्ट किया जा रहा है, तो ये जो है कॉपर टी जैसे टी शेप में ही होता है ये। थैंक यू सो मच सर, जाते जाते अगर आपको हमारे दर्शकों से कोई भी ये बात करनी हो वुमेन हेल्थ के बारे में तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हियर यू। अब चूँकि हमने मायरीना के बारे में बात की है तो मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको लेडीज़ को जो है पेरीमेनोपॉज यानी 40 से 50 साल के बीच में मेनोपॉज के पहले जो ब्लीडिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं
अगर आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में सोचिए, आपके केयर गिवर को पूछिए कि डायरेक्टली ऑपरेशन जाने के पहले क्या हम एक मेडिकल मेथड ट्राई कर सकते हैं, और जब आप ट्राई करोगे तो उसको एक थोड़ा समय दे देना 3-4 महीने का, ताकि उसका इफेक्ट ठीक से आ जाए, उसके बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको सर्जरी के लिए जाना है या नहीं। सो थैंक यू सो मच सर, आई एम श्योर के दर्शकों को समझा होगा कि एक और तरीका है अपना कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करने का, और एक न्यू टॉपिक के साथ हम लोग फिर से आपको डिस्टर्ब करेंगे। मुझे भी यही उम्मीद है कि आपके इस टॉपिक के बाद में शायद थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ जाए कि हर बार पीरियड्स की प्रॉब्लम हो तो बच्चेदानी निकालने की जरूरत नहीं हो। सही बात है सर। सर एक और जाते जाते, ये बच्चेदानी निकालने से हम लोगों को इतना परहेज क्यों रहता है? कोई भी सर्जरी से डर तो लगता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस तो होते ही हैं, तो अगर कोई भी सर्जरी आप अगर अवॉइड कर सकें तो ये तो बेस्ट है। मैं तो बोल रहा हूँ, अगर दवाई से इलाज हो रहा है तो कोई भी सर्जरी करने की क्या ज़रूरत है। और आजकल जब इतनी अच्छी डिवाइसेस आ गई हैं, yes, हमारे प्रैक्टिस में तो ये बहुत ही बड़ा सिर्फ एक ही चीज़ है कि मेडिसिन आप लेंगे तो उसका इफेक्ट आने के लिए टाइम थोड़ा है, सर्जरी होगा तो उसका तुरंत इफेक्ट आ जाता है। जी थैंक यू सो मच, थैंक्स। We'll be right back.